हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। तो आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे एनीमिया के बारे में, जिसे हिंदी में रक्ताल्पता भी कहते हैं। बेसिकली कहा जाए तो खून की कमी। ठीक है, तो आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे कि एनीमिया क्या होता है। हमारे यूट्यूब चैनल पर इंक्लूसिव एजुकेशन की सीरीज़ चल रही है, जिसमें कि हमने ऑलरेडी पहले बहुत से वीडियो देख चुके हैं, जिसमें सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज़म, हियरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, गिफ्टेड चाइल्ड, मेंटली रिटार्डेड, एपिलेप्सी, डायबिटीज़ और अस्थमा हमने पहले ही पढ़ चुका है। अगर आपने वो वीडियो तक नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एनीमिया यानी रक्ताल्पता क्या होता है। तो आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे कि एनीमिया क्या होता है, उसके कुछ डेफिनेशन देखेंगे, हम टाइप्स देख लेंगे एनीमिया के कि कितने प्रकार होते हैं एनीमिया के, कॉजेज देख लेंगे यानी कारण क्या हो सकता है, सिम्टम्स देख लेंगे यानी इसके क्या लक्षण होते हैं, और ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन हम लोग देख लेंगे यानी किस तरीके से बचाव किया जा सकता है, या तो इसका क्या ट्रीटमेंट है हम लोग ये देखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एनीमिया क्या होता है? इट इज़ अ कंडीशन वेयर देर इज़ अ लैक ऑफ हेल्दी रेड ब्लड सेल, यानी ये ऐसी कंडीशन है जब बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, हेल्दी रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उसकी कमी हो जाती है, दैट कैरी ऑक्सीजन टू बॉडी टिश्यू। तो जो ब्लड होते हैं रेड ब्लड सेल, ये क्या करते हैं, इनका रोल क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है वो बॉडी के टिश्यू तक पहुँचाते हैं, लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, शरीर में रेड ब्लड सेल की कमी हो जाती है। ठीक है, तो इसे ही एनीमिया कहते हैं। इट मेक्स फील टायर्ड, और इसके कारण क्या होता है, जो पर्सन है उसे टायर्ड फील होता है, उससे थका हुआ फील होता है। इट इज़ कॉमन डिसऑर्डर, ये कॉमन डिसऑर्डर है, अक्सर बहुत से लोगों को एनीमिया की दिक्कत आ सकती है। ठीक है, इट इज़ कॉमन डिसऑर्डर, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया इज लो आयरन लेवल इन ब्लड, यानी खून में आयरन की कमी के कारण एनीमिया होता है। इट इज़ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे देख लेते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन एनीमिया के। डेफिनेशन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एनीमिया की क्या डेफिनेशन दी है हम लोग देख लेते हैं। इट इज़ ए कंडीशन इन विच द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल और हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन विद इन दैम इज लोअर दैन नॉर्मल। तो WHO का क्या मानना है कि एनीमिया एक कंडीशन है जिसमें कि जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो एक नॉर्मल, मतलब जितना होना चाहिए उससे बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल की मात्रा कम हो जाती है, जितना होना चाहिए उसके हिसाब से बहुत कम हो जाती है, इसी कंडीशन को एनीमिया कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एनीमिया। तो हम इसके टाइप्स देख लेते हैं। फर्स्ट है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सेकंड है विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया, थर्ड है एनीमिया ऑफ इन्फ्लेमेशन, फोर्थ है अप्लास्टिक एनीमिया, और फिफ्थ है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, अब हम इन सभी को एक एक करके अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि अगर शरीर में बॉडी में आयरन की कमी होती है तो ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहलाता है। इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया, ये जो है बहुत ही कॉमन है, कॉमन टाइप है एनीमिया का। इट इज़ कॉज बाय शॉर्टेज ऑफ आयरन इन बॉडी, अगर बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तो उसके कारण एनीमिया होता है। सेकंड है विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया,
तो विटामिन की अगर कमी हो जाती है, जैसे B12 की और भी अदर न्यूट्रिएंट्स की अगर कमी हो जाती है, तो विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया कहलाता है। ठीक है, इट हैपन्स व्हेन देयर इज लैक ऑफ विटामिन B12 एंड अदर की न्यूट्रिएंट्स दैट कॉज डिक्रीज्ड रेड ब्लड प्रोडक्शन। तो विटामिन B12 और अदर न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण जो शरीर में रेड ब्लड सेल की मात्रा कम हो जाती है, तो फिर ये विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया कहलाता है। थर्ड है एनीमिया ऑफ इन्फ्लेमेशन। ये क्या होता है कि कई सारी ऐसी बीमारियां हैं, डिसीजेज हैं, जैसे कि कैंसर हो गया, किडनी डिसीज़ हो गया, और भी अलग अलग जो क्रॉनिक डिसीज़ होते हैं, उसके कारण क्या होता है कि शरीर में अच्छी तरीके से रेड ब्लड सेल नहीं बन पाते हैं, तो इसे ही क्या कहते हैं, एनीमिया ऑफ इन्फ्लेमेशन। फोर्थ है अप्लास्टिक एनीमिया। ये क्या है, ये रेयर है, बहुत ही कम देखने को ये कंडीशन मिलती है और लाइफ थ्रेटनिंग भी, इससे किसी की जान भी जा सकती है। इट अकर्स व्हेन बॉडी डजंट प्रोड्यूस इनफ रेड ब्लड सेल। ये कब कंडीशन होती है, जब शरीर रेड ब्लड सेल को प्रोड्यूस करने में वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, तो ये कंडीशन होती है। ठीक है, फिफ्थ है सिकल सेल एनीमिया। तो ये क्या है, इट इज़ कॉज बाय डिफेक्टिव फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के डिफेक्टिव जो है फॉर्म से ये बनता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो शरीर पे है सेल्स टू अज्यूम एन एबनॉर्मल सिकल शेप। उससे क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वो सिकल जो है शेप के हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया। अब हम आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखेंगे सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी लक्षण क्या होते हैं। तो फर्स्ट है फैटिग, फैटिग यानी चक्कर आना। सेकंड है पेल स्किन, यानी शरीर जो है एकदम पीला पड़ जाना, कलर उसका पीला हो जाना। थर्ड है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी सांस लेने में दिक्कत। फोर्थ है वीकनेस, यानी थकावट महसूस होना। फिफ्थ है इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट नहीं किया जा सकता, मतलब कॉन्सेंट्रेट की भी कमी होती है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते किसी काम पे। सिक्स्थ है चेस्ट पेन, चेस्ट में पेन होना। सेवन्थ है ब्रिटल नेल्स, यानी जो नाखून होते हैं वो भी इसमें क्या होते हैं, टूटे फूटे से हो जाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं कॉजेज, यानी इसका कारण क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका कारण है ब्लड लॉस। अगर ब्लड लॉस होता है, ब्लड ज़्यादा शरीर से निकल जाता है, उसके कारण ये दिक्कत आती है। सेकंड है लो प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, अगर शरीर में रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन कम हो रहा है तो उसके कारण भी एनीमिया की प्रॉब्लम आती है। थर्ड है इलनेस, यानी किसी प्रकार की अगर बीमारी है तो उसके कारण भी एनीमिया की प्रॉब्लम आ सकती है। फोर्थ है मेडिकल कंडीशन, कोई किसी प्रकार की अगर बीमारी है, कोई किसी तरह की बीमारी होती है किसी को, तो उसके कारण जैसे हमने पढ़ा है, जैसे कि अगर कैंसर हो गया और अलग अलग जो है प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके कारण जो है शरीर में रेड ब्लड सेल की मात्रा कम बनती है, तो उसके कारण भी एनीमिया हो सकता है। और उसके बाद है जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी अगर उनके पेरेंट्स को हैं तो बच्चे को भी हो सकता है कि ये वाली प्रॉब्लम हो सके। और लास्ट है डाइट, यानी अगर डाइट में अगर जैसे कि आयरन, जिसमें आयरन ही आयरन युक्त जो फूड्स हैं, अगर उसको नहीं लेते हैं और खाने में परहेज है, और खाने में हम लोग ऐसी चीज़ें नहीं ले रहे हैं जिसमें आयरन होता है, तो फिर ये वाले मतलब एनीमिया की दिक्कत आ सकती है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे हम लोग इसका देखते हैं ट्रीटमेंट, यानी इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट तो है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक तरह का ट्रीटमेंट है। ठीक है, सेकंड है ओरल आयरन, यानी कि मतलब पीने के लिए या खाने के लिए आयरन की टैबलेट्स या तो कुछ से दिया जाए जिससे कि आयरन की कमी ना हो। थर्ड है आयरन सप्लीमेंट, आयरन सप्लीमेंट दी जा सकती है कैप्सूल के रूप में, दवाई के रूप में। ठीक है, फोर्थ है डाइट, डाइट में जैसे कि रेड मीट हो गया, लाल जो मांस होता है वो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ड्राइड फ्रूट हो गया, ये सब, नट्स हो गया, ये सब खाने से क्या होता है एनीमिया को जो है उसमें इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है।
ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो जहाँ पे हमने पढ़ा एनीमिया के बारे में। एनीमिया के डेफिनेशन जाना, उसके टाइप्स जाने, उसके सिम्टम्स जाने, कॉजेज जाने और प्रिवेंशन जाना। ठीक है, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।